लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने रविवार को बिना किसी का नाम लिए आरोप लगाया कि इस समय पार्टी और देश की सरकार को केवल दो नेता कठपुतली की तरह चला रहे हैं। इन दोनों के आगे पार्टी के सभी नेता नतमस्तक हैं और सबको जैसे सांप सूंघ गया हो, जबकि जो भी कुछ गलत हो रहा है मैं उसके खिलाफ खुलकर बोल रहा हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा ने आरोप लगाया कि पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र पूरी तरह समाप्त हो गया है, जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के समय में हुआ करता था। शत्रुघ्न सिन्हा ने तो यहां तक कह डाला कि पार्टी वन मैन शो और टू मैन आर्मी बन चुकी है। यशवंत सिन्हा और भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने यह बातें रविवार को सेक्टर 27 स्थित प्रेस क्लब में पत्रकारों से मुलाकात के दौरान कही। राष्ट्र मंच का निर्माण और राष्ट्र मंच के तहत हम जो है इकट्ठे हुए हैं, उसका उद्देश्य जो है एक गाढ़ा पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स को ठीक करने के लिए, पॉलिटिक्स को सही दिशा में डालने के लिए एक कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव मूव है, जिसको हम कह सकते हैं, जैसा भाई ने कहा कि पॉलिटिकल मूवमेंट है, आंदोलन है, ये कोई एंटी पार्टी की कोई पार्टी का कोई सम्मेलन नहीं है। किसी पार्टी के लोग इसमें आ सकते हैं, जिनको राष्ट्र के, राष्ट्रहित में, राष्ट्र के लोगों के प्रति जिनकी वफादारी है, जिनकी समझ है, जो चाहते हैं कि देश आगे बढ़े सही दिशा में, देश का उत्थान हो, देश का भला हो, और इसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए, जहाँ जहाँ हो सकता जा सकते हैं गए और जाएंगे, चाहे यहाँ पे चेन्नई हुआ कि जबलपुर हुआ कि पुणे हुआ कि भाई तो अकेले विश्वनाथ भाई तो बहुत जगह गए, अकोला से लेके कहाँ कहाँ नहीं गए, दिल्ली में हमने किया। और ये बताना बहुत ज़रूरी है लोगों को, जो कई बार सब कहते हैं कि पार्टी के खिलाफ है, क्या नहीं पार्टी के खिलाफ नहीं है, शायद हर पार्टी के बंदे के लिए ये प्रोग्राम जो है इस बात को की पुष्टि करता है, मान्यता कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। तो इसलिए हम लोग जो भी कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, वो देश के प्रति या देश हित में कर रहे हैं, जनता के हित प्रति कर रहे हैं, जनता के हित में कर रहे हैं। इसलिए जाहिर है कि एंटी पार्टी नहीं है। कई लोग उससे कहते हैं कि आप पार्टी छोड़ क्यों नहीं देते हैं, शायद आपके भी कोई सवाल आ सकते हैं ऐसे। मैं कहता हूँ मैं पार्टी इन्होंने छोड़ा है, यशवंत भाई ने इसके बारे में आपको बताएंगे आपकी पूछताछ में, लेकिन मैंने कहा मैंने पार्टी भी नहीं छोड़ा है। जो काम मैं समझता हूँ स्टेडियम के रह के मैं कर सकता हूँ, अंदर रह के कर सकता हूँ देश हित में, शायद अभी उतना तजुर्बा नहीं हुआ कि मैं बाहर आके इस तरह करूँ। लेकिन हाँ, अगर हमें बाहर करना चाहें पार्टी, तो चूंकि मैं पार्टी में उस वक्त शामिल हुआ था भारतीय जनता पार्टी में, जब पार्टी दो सीटों की पार्टी थी केंद्र में, तब से लेकर आज तक मैं सुख दुख का भागीदार रहा हूँ। लेकिन ये भी कहना बहुत ज़रूरी है कि आज की पार्टी जो है वो बीजेपी की पार्टी नहीं है, यानी सही मायनों में वो मोदी सरकार है। और हम आए थे बीजेपी में नानाजी देशमुख के सानिध्य में, या जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्हें मैं फ्रेंड फिलोसफर गाइड और अल्टीमेट लीडर पार्टी का मानता रहा, उनके सानिध्य और उनके आशीर्वाद से आया। तो मैं पार्टी में इसलिए नहीं आया था कि एक दिन मैं पार्टी छोड़ दूंगा, लेकिन पार्टी की मर्यादा का बगैर उल्लंघन किए हुए, पार्टी में पूरा विश्वास रखते हुए, अगर पार्टी मुझे छोड़ना चाहती है तो मैं उनके विजडम को चुनौती नहीं दूंगा, मैं उनके निर्णय का सम्मान करूंगा अगर वो ऐसा करती है तब, लेकिन मैं अपनी तरफ से पार्टी का उल्लंघन नहीं करूंगा। इसलिए कि मैंने आज तक जो कुछ किया है, एक तरफ मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया और दूसरी तरफ पार्टी की मर्यादाओं का ख्याल रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे, जो ओरिजिनल देश का स्टार कैंपेनर मैं था, सबसे पहला नाम मुझे मिला था ओरिजिनल स्टार कैंपेनर, शायद देश में बहुत बड़ी बड़ी सभाओं को करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, चंडीगढ़ में भी जब हरिमोहन धवन जी के लिए आए थे, तो शायद कई लोग कहते हैं, आप लोगों में से कई लोग कहते हैं, चंडीगढ़ की आज तक की सबसे बड़ी सभा रैली यही हुई थी। वो सब संबोधित करने वाले आदमी को
जो अटल जी के साथ, चौधरी देवीलाल जी के साथ, जो बीबी सिंह जी के साथ, जो बड़े भाई यशवंत सिन्हा जी के साथ, अटल जी के साथ, यशवंत अडवाणी जी के साथ जो इतना किया पूरे देश में, उसको बिहार में ही चुनाव में, बिहार में बिहारी बाबू को आमंत्रित नहीं किया गया। 40 स्टार कैंपेनर बनाए गए, कौन कौन नहीं बनाए गए, कहाँ कहाँ से नहीं लाए गए, जिन्हें शायद घर में भी लोग नहीं पहचानता हो, उन लोगों को लाया गया, लेकिन बिहार में बिहारी बाबू की एंट्री बैन कर दी, उन्हें नहीं बुलाया। मैंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया और मैं नहीं गया बिहार में, गया सिर्फ वोट देने गया और वो भी अपनी पार्टी को वोट दिया। उसके बाद यूपी में, गुजरात में, चेन्नई में, उसका जो पार्षदों का इलेक्शन हुआ दिल्ली में, वहाँ से लेकर अभी कर्नाटका में, जिसका नतीजा सामने आया और हाल भी सामने आ गया। और दिल्ली में जब केजरीवाल ने स्वीप करके हम लोगों को स्कूटर पार्टी बना दिया, तीन आदमी की पार्टी बना दी, उसमें नहीं बुलाया गया मुझे, मैंने कहीं भी उल्लंघन नहीं किया आज्ञा का, और मैं अपने तरफ से नहीं गया। किसी प्लेटफॉर्म पे जा सकता था, बुक रिलीज के प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे, लेकिन नहीं किया, इसलिए मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उसके बावजूद अगर सच को सच कहना बगावत है, अगर मैं स्पेड को स्पेड कहता हूँ, या अपने अंदर ये संघर्ष करने की शक्ति के साथ साथ सच बोलने की ताकत रखता हूँ, तो अगर उसे वो बगावत कहते हैं तो मैं कहता हूँ ठीक है, अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अब फैसला आप कर लो, मेरा फैसला है कि मैं तो आपके आपके साथ हूँ, और आपके साथ से ज़्यादा देश के साथ हूँ, देश बड़ा होता है पार्टी से, मैं आपके साथ हूँ, पर जनता के साथ हूँ, यहाँ के लोगों के साथ हूँ, और सच के साथ हूँ, उसी सच को लेकर हम सब आज आपके सामने इकट्ठे हुए हैं। देखिए ऐसा है कि मैंने इस पार्टी को थोड़ा पर्सनल हो रहा हूँ, उस समय ज्वाइन किया था जब अटल जी और अडवाणी जी का नेतृत्व इस पार्टी को प्राप्त था, और उनके साथ पार्टी में काम करने में या सरकार में काम करने में या सरकार जाने के बाद फिर पार्टी में काम करने में मुझे कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई थी। पिछले 4 वर्षों से लगभग हमको एक तो ये लगने लगा कि पार्टी के भीतर जो आंतरिक प्रजातंत्र होता है, इंटरनल डेमोक्रेसी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, और पार्टी जो है वो दो लोगों के हाथ की कठपुतली बन के रह गई, जैसे सरकार भी दो लोगों के हाथ की कठपुतली बन के रह गई है। और सारे प्रयास इसको बदलने के लिए, इसमें सुधार लाने के लिए जब मुझे विफल होते नज़र आए, तो मैंने ये सोचा कि अब एक समय आ गया है जब मैं खुलकर, पार्टी छोड़कर और खुलकर अपनी बात लोगों के सामने रखूं, तो इसलिए मैंने फैसला किया। और पटने में मैंने जो घोषणा की थी 21 अप्रैल को, उसको थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक घोषणा ये की कि 2014 में स्वेच्छा से वॉलेंटरिली हमने तय किया कि हम अब चुनावी राजनीति में नहीं रहेंगे, तो हम चुनावी राजनीति से अलग हो गए। पटने में मैंने घोषणा की कि अब हम दलगत राजनीति में, पार्टी पॉलिटिक्स में भी नहीं रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी से संबंध तोड़ने के बाद मैं किसी दूसरे दल में न जा रहा हूँ न जाऊँगा, तो बिल्कुल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, लेकिन फिर भी चूंकि अभी विवेक जिंदा है तो इसलिए हमें लगेगा कि देश के ये मुद्दे हैं जो गंभीर हैं और इसके बारे में मुझे कुछ कहना चाहिए, तो वो अवसर मैं ज़रूर उसका उपयोग करूंगा और अपनी बात रखूंगा, जो रखने का प्रयास मैं पार्टी के भीतर भी रह के कर रहा था और अब पार्टी के बाहर आकर ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा खुले तौर पर मैं रख सकता हूँ। तो कृपया ये अंडरस्टैंड करें कि एक चुनावी राजनीति होती है जिसको मैंने 2014 में छोड़ दिया, एक उसके ऊपर दलगत राजनीति होती है जो मैंने 21 अप्रैल को छोड़ दिया, और एक होता है देश का सार्वजनिक जीवन, पब्लिक लाइफ ऑफ द कंट्री। उस पब्लिक लाइफ में हम भी हैं, आप भी हैं,
सब लोग हैं जिनका एक पब्लिक रोल है, उनकी भूमिका है, तो वो भूमिका मैं निभाता रहूँगा जब तक ईश्वर मुझे ताकत देता है उस भूमिका को निभाने का। लेकिन मैं जोर देकर इस बात को कहना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट द पार्टी विच आई हैड जॉइंड इन 1993। ये वो पार्टी नहीं है, अटल आडवाणी की पार्टी नहीं है। और उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आज मैंने यही एक अखबार में पढ़ा, शांता कुमार जी का स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अगला लोकसभा चुनाव अब नहीं लड़ूंगा। और उसके साथ ही साथ जब कर्नाटक के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक उदाहरण दिया हिमाचल प्रदेश का कि 1982 में जब चुनाव हुआ था हिमाचल असेंबली का, तो बीजेपी हैड 129 सीट्स, कांग्रेस पार्टी हैड 131 सीट्स, बट अकॉर्डिंग टू शांता कुमार जी देर वर 6 इंडिपेंडेंट्स हु वर प्रिपेयर टू सपोर्ट द बीजेपी इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। और उस समय अटल जी ने कहा कि नहीं, हम विपक्ष में बैठेंगे, हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। एक वो उदाहरण दिया है शांता कुमार जी ने। और आज जो कर्नाटक में हो रहा था, जो सफल नहीं हुआ भाग्य से, फॉर्चुनेटली, वो क्या हो रहा था, कर्नाटक की स्थिति क्या थी, कर्नाटक में भाजपा को मोहब्बत नहीं मिला और दो इंडिपेंडेंट्स को छोड़कर बाकी दो दल थे। और जब तक उन दोनों दलों से रिटेल तौर पर खुदरा में हम MLAs को नहीं लेते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्वाइव नहीं करती। एकदम बिल्कुल इट वॉज एज क्लियर एज डे लाइट दैट वी विल हैव टू इंडल्ज इन हॉर्स ट्रेडिंग, दैट वी विल हैव टू इन वॉट एवर वे गेट दोज MLA सपोर्ट फॉर अस इन वायलेशन ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके बाद भी हम लोग मॉरल हाई ग्राउंड से, हमारे प्रवक्ता मॉरल हाई ग्राउंड लेकर कह रहे थे कि नहीं, हमको मेजॉरिटी मिलेगी, हम जीतेंगे और ये वो। तो इज दिस द पार्टी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी एंड अडवाणी? इट इज नॉट। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट इन सेइंग दैट द टू पर्संस हु कंट्रोल द पार्टी टुडे आर नोवेयर कंपेयर्ड टू अटल जी एंड अडवाणी जी, आइदर इन स्टेचर और इन मॉरल स्टैंडर्ड्स। नेशनल बस के लिए बलविंदर आर्या की रिपोर्ट। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।